क्रिकेट वर्ल्ड हेडलाइन में आज की बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत रही और भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 385 रन बनाए, जिसमें भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 101 रन तथा सुमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 295 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए तो वहीं चहल ने 2 विकेट लिए। टीम इंडिया ने यह मैच 90 रनों से जीत हासिल की और इस सीरीज में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। इस प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सुमन गिल को दिया गया तो वहीं प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर को दिया गया।